सब्सक्राइब कीजिए एमके फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, आज हम कंपेरिजन करने वाले हैं टेक्नो कैमन आई एंड रेडमी वाई 2 के बीच में। अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है और आप एक अच्छे फ़ोन की तलाश में हो कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट होगा, वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मैं यहाँ पर दो फ़ोन के बीच में कंपेरिजन करने वाला हूँ टेक्नो कैमन आई एंड रेडमी वाई 2 के बारे में कि आपके लिए दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट होगा अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो। मैं लास्ट में बताऊँगा कि मेरा अपना क्या ओपिनियन है कि इन दोनों फ़ोनों को लेकर अगर मैं ख़रीदना चाहता तो मैं कौन सा फ़ोन ख़रीदता, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ सारे से समारी कैमरा बैटरी डिस्प्ले एंड सब कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे लेफ्ट साइड पर है टेक्नो कैमन आई एंड राइट साइड पर है रेडमी वाई 2। तो यहाँ पर मैं जो फ़ोन ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगा उसे दूंगा मैं 4 मार्क्स एंड जो थोड़ा कम परफॉर्मेंस करेगा उसे दूंगा मैं 2 मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं स्पेशल फीचर्स के। तो दोनों ही फ़ोन के बैक साइड पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है एंड दोनों ही फ़ोन के अंदर आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर लाइक सेंसर देखने को मिलता है। तो स्पेशल फीचर्स के मामले में मैं दोनों ही फ़ोन को सेम मार्क्स देने वाला हूँ, यानी 4 मार्क्स दोनों ही फ़ोन को देने वाला हूँ। तो जनरल की बात करें तो यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिलता है क्योंकि टेक्नो कैमन आई का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो Android 7.0 यानी नोगवाट है एंड दोनों ही फ़ोन के अंदर आपको डुअल सिम का सपोर्ट दिया गया है विद एक SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे आप लोगों को रेडमी वाई 2 के अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एंड्रॉइड 8.0 है यानी ओरियो है। तो जनरल के मामले में बात करें तो दोनों ही फ़ोन को मैं सेम मार्क्स नहीं देने वाला हूँ क्योंकि रेडमी वाई जो है वो बेटर है टेक्नो कैमन आई से। तो यहाँ पर मैं रेडमी वाई 2 को देने वाला हूँ मैं 4 मार्क्स एंड टेक्नो कैमन आई को देने वाला हूँ मैं 2 मार्क्स। तो मल्टीमीडिया की बात करें तो दोनों ही फ़ोन के अंदर आपको लाउड स्पीकर देखने को मिलते हैं एंड दोनों ही फ़ोन का जो ऑडियो जैक की जो साइज़ है वो 3.5 mm के ऑडियो जैक दिया गया है। तो ये दोनों ही फ़ोन काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो मल्टीमीडिया के अंदर मैं दोनों ही फ़ोन को सेम मार्क्स देने वाला हूँ यानी 4 मार्क्स देने वाला हूँ। तो परफॉर्मेंस में आप लोगों को बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों ही फ़ोन 2 डिवाइड में भाग चुके होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टेक्नो कैमन आई का जो चिपसेट है वो एक मीडियाटेक का चिपसेट है जो कि घटिया है एंड रेडमी वाई 2 का जो चिपसेट है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का है। तो बात करते हैं रेडमी वाई 2 का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर दिया गया है, एड्रीनो 506 का ग्राफिक्स कार्ड दिया है, ऑक्टाकोर फोन है, 2 GHz पर काम करता है, 64-bit एपिचर है विथ 3 GB रैम है। बात करते हैं टेक्नो कैमन आई की, यहाँ इसके अंदर आपको मीडिया टेक MT6737 का प्रोसेसर, मालिस T720 का ग्राफिक्स, क्वाड कोर फोन है, 1.3 GHz पर काम करता है, 64-bit का एपिचर है विथ 3 GB रैम। तो परफॉर्मेंस में आपको बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर मार्क्स देने वाला हूँ रेडमी वाई 2 को देने वाला हूँ 4 मार्क्स एंड टेक्नो कैमन आई को देने वाला हूँ मैं 2 मार्क्स क्योंकि रेडमी वाई 2 का जो परफॉर्मेंस है वो टेक्नो से बहुत ही बेटर है। तो यहाँ पर मार्क्स देने वाला हूँ रेडमी वाई 2 को 4 मार्क्स एंड टेक्नो कैमन आई को 2 मार्क्स। डिज़ाइन के मामले में मैं दोनों ही फ़ोन को सेम मार्क्स देने वाला हूँ यानी 4 मार्क्स देने वाला हूँ क्योंकि डिज़ाइन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट होता है, आप कौन सा फ़ोन चूज़ करते हो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि हर बंदे का चॉइस अलग अलग होता है। देखिए इसीलिए मैं दोनों ही फ़ोन को सेम मार्क्स देने वाला हूँ यानी 4 मार्क्स देने वाला हूँ। तो डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में आपको IPS LCD का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 18:9 दोनों ही फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलता है। एस्पेक्ट रेशियो एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। टेक्नो कैमन आई के अंदर आपको थोड़ा बेटर देखने को मिलता है, यहाँ पे 76.13% देखने को मिलता है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, वहीं पर आपको रेडमी वाई 2 के अंदर आपको 74.64%। तो यहाँ पे आप लोगों को टेक्नो कैमन आई के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V3 का प्रोटेक्ट दिया गया है जो कि अच्छी बात है एंड दोनों ही फ़ोन का जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है बिल्कुल सेम है 720x1440। तो डिस्प्ले के मामले में मैं टेक्नो को मार्क्स देने वाला हूँ मैं 4 मार्क्स एंड रेडमी वाई 2 को देने वाला हूँ 2 मार्क्स। मैं हाँ टेक्नो कैमन आई का जो डिस्प्ले है वो बेटर है और रेडमी वाई 2 का जो डिस्प्ले है वो भी बेटर है, देखने में काफ़ी स्टाइलिश है।
तो स्टोरेज की बात करें तो दोनों ही फ़ोन के अंदर आपको 32 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है, विथ 3 GB रैम देखने को मिलता है। तो दोनों ही फ़ोन को मैं देने वाला हूँ मैं 4 marks। कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको बड़े ही डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि Redmi Y2 के अंदर आपको पीछे की तरफ आपको 12 कैमरा देखने को मिलता है, 12+5 MP का कैमरा देखने को मिलता है विद LED फ्लैश के साथ। एंड टेक्नो कैमरा आई की बैक साइड पर आपको 13 MP का कैमरा देखने को मिलता है विद क्वाड LED फ्लैश के साथ। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको टेक्नो कैमरा आई के अंदर आपको 13 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है विद LED फ्लैश एंड f2.0 की एपेचर के साथ। वहीं पर आपको Redmi Y2 के अंदर आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है विद LED फ्लैश एंड f2.0 की एपेचर के साथ। तो यहाँ पर कैमरा के अंदर आपको बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि Redmi Y2 जो है वो एक सेल्फी फ़ोन है। तो ऑब्वियसली Redmi Y2 को मैं देने वाला हूँ मैं 4 marks एंड Tecno Camon i को देने वाला हूँ मैं 2 marks। बैटरी की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में लगभग सेम बैटरी देखने को मिलता है, बट थोड़ा डिफरेंस है। यानी Tecno Camon i के अंदर आपको 3050 mAh की बैटरी देखने को मिलता है एंड Tecno से बेटर है Redmi Y2, क्योंकि उसके अंदर 3080 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। दोनों ही फ़ोन का जो नेटवर्क कम्युनिटी है बिल्कुल सेम है, दोनों ही फ़ोन 4G बुलटी सपोर्ट करता है। तो गाइस अब बढ़िया है कि मैं कौन सा फ़ोन ख़रीदना चाहता अगर मैं इन दोनों फ़ोन में से एक फ़ोन ख़रीदना चाहता तो गाइस मेरा मानो तो आप Redmi Y2 को परचेस कर सकते हो, क्योंकि Redmi Y2 का जो स्मार्टफोन है, ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन दिया गया है विद एंड्रॉयड का जो सिस्टम है वो 8.0 है, जो लेटेस्ट तो नहीं है हाँ, बट टेक्नो से भी लेटेस्ट है। एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो प्रोसेसर दिया गया है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का एक पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है, बट उतना भी पावरफुल नहीं है, बट हाँ टेक्नो से भी बेटर पावरफुल है। अगर आप ख़रीदना चाहते हो और आपका बजट 10,000 तक है तो आप ऑब्वियसली Redmi Y2 को ख़रीद सकते हो। अगर आपके पास 9,000 है या फिर उससे थोड़ा कम है तो आप Tecno Camon i को ख़रीद सकते हो, क्योंकि दोनों ही फ़ोन जो है काफ़ी कमाल का है, काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे, मैं उसी टॉपिक पर बनाने के लिए कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, बाय।